गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के बाद लोग जो जूलॉजी ऑनर्स या फिर बायोलॉजी के क्षेत्र से और भी कोई क्षेत्र में यदि वो ऑनर्स करते हैं बायोलॉजी से ही जुड़े हुए, तो जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन सबों में वो ऑनर्स करते हैं, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट जूलॉजी ऑनर्स ले लेते हैं। तो इन ऑनर्स पेपर को लेने के बाद आगे उनका भविष्य क्या होगा, आखिर वो जो ऑनर्स का जो सब्जेक्ट का चयन किए हैं, तो ऑनर्स करने के बाद यानी कि स्कोप ऑफ जूलॉजी आफ्टर बीएससी, अगर कोई स्टूडेंट जूलॉजी ऑनर्स लेकर के बीएससी किया है, और भी सब्जेक्ट लेकर के करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में, लेकिन कोई जूलॉजी का स्टूडेंट है और जूलॉजी से वो बीएससी किया है तो बीएससी करने के बाद क्या उनका भविष्य होगा, वो बीएससी करने के बाद क्या कर सकते हैं, उनका स्कोप क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो स्टूडेंट जूलॉजी से बीएससी कर चुके हैं, आगे वो क्या अपना करियर अपना सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, पहली बात कि अगर कोई जूलॉजी से वह बीएससी किया है, तो यानी कि बीएससी में जूलॉजी ऑनर्स वो लिया, अब वो आगे क्या कर सकता है, तो पहला कि वह एमएससी जूलॉजी में अपना वो करियर अपनाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में अपना वो करियर अपना सकता है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, या फिर बायोकेमिस्ट्री है एमएससी बायोकेमिस्ट्री, या फिर एमएससी मोलिकुलर बायोलॉजी के क्षेत्र में भी वो अपना कदम रख सकता है। यदि ये एमएससी कर लेता है, तो एमएससी करने के बाद उसके पास यदि समय है आगे पढ़ने का, तैयारी का थोड़ा सा, तो वह CSIR JRF या नेट की ओर अपना वो कदम रख सकता है। यानी CSIR क्या होता है, तो CSIR का मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में एक वहाँ इससे दो तरह के एग्ज़ाम, यानी एक ही साथ दो एग्ज़ाम होती है, वो ज़्यादा नंबर यदि लाते हैं तो GRF में उनका सिलेक्शन हो जाता है, और उससे कम उसका एक कट ऑफ होता है, उतना इससे कम इसमें नहीं हुआ तो नेट में आते हैं, और नेट का भी कट ऑफ होता है, उससे नीचे आने पर वो फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा वो देते हैं एग्ज़ाम। तो वह GRF का कोर्स यदि उनका सिलेक्शन CSIR में हो जाता है, मैंने MSc अपीयरिंग करके ही बढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कोर्स करना है, पढ़ना है, तैयारी करना है, तो वो सब तो करना होगा, लेकिन क्लास नहीं करना होता है इसमें। जैसे होता है कि MSc का, जैसे MSc कर रहे हैं इन सब का कोर्स, जिस तरह से क्लास होती है, उसका एक सेशन होता है, उस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोचिंग है, चाहे अपने से भी है, जो पढ़ते हैं स्टूडेंट लोग अच्छे संस्थान से, तो उन लोगों को MSc अपीयरिंग करके ही वो निकाल देते हैं, तो वो CSIR की ओर अपना वो बढ़ सकते हैं। तो इन सब से, इन सब का कोर्स करने के दौरान ही यदि वो इस पर फोकस करे, तैयारी करे, तो MSc अपीयरिंग करके ही ये कोर्स, MSc अपीयरिंग करके ही वो ये इसको निकाल देते हैं CSIR नेट या GRF का। तो अगर वह निकल जाता है तो ठीक है, निकलेगा तब क्या होगा, अगर मानते हैं कि अगर MSc अपीयरिंग करके नहीं निकला, तो फिर वो नेक्स्ट 6 महीना के बाद अपना एग्ज़ाम देंगे, फिर साल भर में 2 बार इसकी होती है। तो अब कोरोना के कारण भले ही डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ये 2 बार, तो इसमें क्या है कि अगर वो देते हैं एग्ज़ाम और निकल जाते हैं अपीयरिंग में, ठीक है, नहीं तो इसको MSc इस सब्जेक्ट से फाइनल करने के बाद वो बैठे, और उसके बाद वो 6 महीना के बाद फिर जाए उसमें तैयारी करते हुए अच्छी तरह से, तो अगर
अगर ये निकल जाता है तो निकल जाने के बाद अच्छा नंबर आया, एक कट ऑफ खास वो निर्धारण होता है CSIR के द्वारा, तो वो GRF में वो जाएंगे। GRF में जो ही वो जाते हैं त्यों ही उनको यानी पास करते हैं तो उनको क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाता है। तो GRF का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो ज्यों ही ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप में वो जब जाते हैं तो जाने के बाद इनको लगभग क्या तो 31,000 रुपया पर मंथ, यानी कितना तो 31,000 रुपया पर मंथ उनको मिलना शुरू हो जाता है। तो वो अपना रिसर्च भी करते रहते हैं और रिसर्च इसके लिए GRF के लिए मिलता है, ऐसा नहीं कि नेट के लिए समझ आएगा, इसके लिए नहीं है GRF के लिए 31,000 रुपया पर मंथ। तो अगर ये निकल जाते हैं तो 31,000 रुपया पर मंथ मिलता है और ये कब कितना दिन तक मिलेगा तो 2 ईयर्स तक, 2 साल का ये GRF कोर्स होता है, दो साल तक उनको रिसर्च करना होता है। तो इतना तो उनको काफ़ी पैसा सहयोग मिल जा रहा है कि वो अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। और यदि नहीं निकला ये GRF, कम नंबर आया, नेट में वो आ गए, तो नेट में आने के बाद यहाँ से क्या है कि ये प्रोफेसर की ओर है ना, प्रोफेसर की ओर ये बढ़ेंगे और इससे भी प्रोफेसर की ओर वो बढ़ेंगे। लेकिन इसी दौरान उनको PhD भी कर लेना होगा, PhD भी उनको कर लेना होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि वो प्रोफेसर की ओर वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अगर उनको प्रोफेसर की ओर नहीं अगर वो गए तो GRF कंप्लीट करने के बाद दूसरा होता है SRF, ये 2 साल पूरा कर लेने के बाद SRF में कन्वर्ट हो जाएगा, माने कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये कितने वर्षों का होगा तो ये 3 ईयर्स का होगा, 3 ईयर्स का होगा। और इस दौरान सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो वो रिसर्च का काम कर रहे होते हैं इस दौरान उनको कितना तो लगभग 35,000 रुपया पर मंथ उनको मिलता रहता है ना, 35,000 रुपया लगभग उनको पर मंथ क्या है कि मिलता रहता है। 3 साल तक ही होगा, यानी 5 साल तक ये एंगेज रह सकते हैं इसमें और उसके बाद फिर इस उसके बाद भी वो PhD का क्लियर करते हुए और प्रोफेसर की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये तो हुआ कि थोड़ा समय लगता है, ये क्या है कि जो समय देंगे उनके लिए है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन अनर्स करने के बाद यदि इस ओर कदम वो रखना नहीं चाहते हैं तो और भी रास्ता है, वह क्या है तो इसके बाद आप बीएड कीजिए। बीएड अगर कर लेते हैं क्या तो जूलॉजी अनर्स आ प्लस बीएड, तो बीएड कर लेते हैं तो TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT में वो चले जाएंगे। जैसे हाई स्कूल सब में क्या होता है 9th-10th तक को पढ़ाने के लिए उसको जो टीचर होता है उस TGT यानी कि BSc जूलॉजी अनर्स किए और इसके बाद बीएड करके और वो फिर उसका इंट्रेंस होता है उसको निकालते हैं, तो स्टेट हो गया ये सब को निकालते हुए उस TGT में चले जाते हैं यानी कि हाई स्कूल के टीचर। उसके अलावे अगर यह मान लीजिए कि MSc किए तो MSc करने के बाद मान कि MSc है और प्लस क्या है जूलॉजी से, ये तो हो गया कि BSc और प्लस क्या तो BEd, ये क्या है तो MSc या प्लस BEd की डिग्री। अगर ये दोनों उनके पास है तो ऐसी स्थिति में वह PGT माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें PGT में चले जाएंगे, माने कि ये क्या होंगे तो 10+2 टीचर के रूप में इनकी बहाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी इंट्रेंस वगैरह होता है, देना होता है और सब्जेक्ट पर तो पकड़ होना ही चाहिए, यानी MSc जो आप कर रहे हैं जूलॉजी से या बायोलॉजिकल क्षेत्र से तो सब्जेक्ट पर पकड़ तो होना ही चाहिए, यानी कि टीचर को विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना होता है उसको। तो इस प्रकार से क्या है कि ये PGT में अपना वो टीचर के रूप में करियर तलाश सकते हैं।
इसके अलावा भी एक और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान नहीं जाता है जूलॉजी के स्टूडेंट को, वह क्या है, तो जब ऑनर्स कर रहे होते हैं तो ऑनर्स करने के दौरान ही साथ साथ आईएफएस की तैयारी भी कर सकते हैं, आईएफएस की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है इसकी बहाली यूपीएससी के द्वारा होती है। देखिए यूपीएससी में जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो उसमें क्या है, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो उसमें सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं आते हैं। आईएफएस में प्रायः साइंस से रिलेटेड, या जैसे अब एग्रीकल्चर ब्रांच हो गया, मेडिकल ब्रांच हो गया, चाहे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इन सब से हैं, यानी केवल साइंस वाले इसमें जाते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। तो उनके लिए तो ये खास हो गया, जो ये तैयारी करेंगे साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो आराम से इसमें अपना कदम डाल सकते हैं। तो आईएफएस एक हो गया, उसके बाद क्या है, तो ग्रेजुएशन के बाद और भी क्षेत्र में अब वो जनरल, जैसे कि जनरल कोई कंपटीशन हो गया है ना, कोई जनरल कंपटीशन हो गया है ना, कंपटीशन हो गया, तो उन सब क्षेत्र में भी वो अपना कदम डाल सकते हैं। जैसे आप बीपीएससी के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर वो यूपीएससी के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर रेलवे है, एसएससी है ना, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया है ना, बैंकिंग सेक्टर में, तो इन सब क्षेत्रों में भी वो अपना, बहुत सारा और भी ब्रांच है, उन सब क्षेत्रों में वो जा सकते हैं है ना। अब बीपीएससी तो इसमें भी बहुत सारे पदाधिकारी बनते हैं, यूपीएससी से भी बहुत सारे पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते हैं उसमें साइंस के स्ट्रीम वाले जो होते हैं वही सब इसमें जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ने के बाद, देखिए ये थोड़ा, ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है सफलता के लिए, और ये उस दो साल इसमें बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये सब कितने वर्षों का कोर्स है, तो ये 2 ईयर्स कोर्स होंगे, 2 साल का कोर्स होगा ना, जहाँ सेमेस्टर वाइज होगा तो 4, नहीं तो कभी कभी ईयरली जहाँ होता है वहाँ पर 2 बार एग्जाम होती है, 2 साल में अपना पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि इन सब कोर्स करने के बाद इस क्षेत्र में हम कदम डाल सकते हैं, और इसमें भी है तो ये थोड़ा सा हाई प्रोफाइल का होता है, इसलिए इसमें थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन अगर स्टूडेंट को वो मेहनती है, अगर वो JRF निकाल दिया तो उसको सहयोग भी मिलता है, जो उसको कमी अभाव महसूस नहीं होता है, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। JRF कंप्लीट करने के बाद वो SRF में चले आते हैं, और SRF में आते हैं तो अमाउंट भी थोड़ा बढ़ जाता है, और 3 साल के लिए उनको वर्क मिल गया, और वो अपना रिसर्च का काम जारी रखते हैं, आगे साइंटिस्ट तक के क्षेत्र में वो चले जाते हैं। अगर वो आगे इन फ्यूचर क्या होता है, साइंटिस्ट के रूप में परिणत हो जाते हैं आगे। तो इस प्रकार से मैंने बहुत मेहनत करना होता है, मेहनत क्या, रिसर्च का काम है, और अध्ययन अध्यापन से रिलेटेड चीज़ है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो साइंटिस्ट सब बन जाते हैं। तो ये तो हुआ कि स्कोप ऑफ जूलॉजी आफ्टर BSc, यानी जूलॉजी ऑनर्स करने के बाद, यानी जूलॉजी ऑनर्स करने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब रास्ता है। और उसके अलावा जनरल कंपटीशन भी है, कोई वैकेंसी आती है उस तरह का, आपको लगता है आप ग्रेजुएट का डिमांड है तो आप उसमें चले जाइए, क्योंकि ग्रेजुएट अब वो आर्ट्स से होता है वो भी जाएंगे, साइंस से है वो भी जाएंगे, तो उसके लिए हो गया। लेकिन इन सब क्षेत्रों में अब जहाँ साइंस टीचर की ज़रूरत है तो बायोलॉजी के टीचर की ज़रूरत है तो बायोलॉजी वाले ही जाएंगे, IFS है तो साइंस के ही क्षेत्र से जो आते हैं वही लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसका क्या है कि क्षेत्र है। और जनरल जो कंपटीशन है इसके लिए क्या कहना है, इसके लिए तो आप ग्रेजुएट में है उस समय से भी तैयारी कर सकते हैं, या ग्रेजुएट करने के बाद भी अपना जो क्षेत्र है उसमें अपना वो कदम डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है उस चिंता में पड़ जाते हैं कि जूलॉजी ऑनर्स ले लिए हैं, भाई क्या सब्जेक्ट ले लिए, कैसे आगे इसका क्या होगा, कैसे आगे हमारा भविष्य बनेगा, करियर क्या इसमें। तो हम भी तो जूलॉजी ऑनर्स ही लिए हुए थे ना, उसी से MSc, उसी से BSc, MSc, PhD सब उसी से हमारा हुआ है।
और पीएचडी करने के बाद जो है सो हम अपना आगे जो भविष्य अपनाना है उसमें हम करियर के क्षेत्र में अपना अपना है बढ़े आगे। तो इस प्रकार से आप लोग को भी इसको ध्यान देना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए कि जूलॉजी या नर्स। मेन बात है कि हतोत्साहित विद्यार्थी कब होते हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है और कोई समय से बताने वाला कहने वाला नहीं होता है कि ऐसे करोगे तो ये बनोगे, ऐसे करोगे तो ये बनोगे। इसी कारण से वो स्टूडेंट थोड़ा सा हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, कभी भी जीवन में हताश या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले जो होते हैं वो अवश्य सफलता को प्राप्त करते हैं, पीछे हट करके भी वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश ये हमारी होनी चाहिए। तो चलिए, इतना जानकारी के बाद हम अब दूसरे दिन बीएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ सब है, टॉपिक है बीएससी पार्ट 1, 2, 3, जैसे भी सुविधा होगा वैसे हम टॉपिक सबको डालते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएँ।